तो आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो कि आरडी शेंगन कंट्री के अंदर है। ये यहाँ से आई थिंक सो माल्टा गए थे, माल्टा से किसी और शेंगन कंट्री में आ गए हैं। इन्होंने हमें अप्रोच किया है, तो इनकी क्या क्वेरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये एक केस स्टडी भी है अनदर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की अवेयरनेस के ऊपर भी ये वीडियो है, ताकि सब बच्चे बाहर जाने से पहले ऐसी चीजों को देखें, समझें, तब फॉर्म का डिसीजन लें। हफड़ा दफड़ी में कुछ नहीं है। तो सबसे पहले भैया मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, पूछूंगा आपको, आप रहने वाले कहाँ के हैं पंजाब के? ठीक सर मैं नंगल डैम का हूँ। है, तो कौन सी कंट्री में कौन से वीजा के ऊपर आए थे जहां आप? मैं शैंगन वीजा पे है सर, माल्टा। माल्टा में। तो हमारे बारे में आपको कहां से पता चला था, हमारी क्राउन इमिग्रेशन के बारे में, जब आपने मुझे अप्रोच की है? मैंने यूट्यूब पे देखा सर, जाने से पहले देखा था, जाने के बाद देखा? जाए जाने से पहले भी देखा था। तो जाने से पहले देखा था तो हमारे पास नहीं आए। नहीं, मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी। जाने से पहले देखा। देखो हम इतनी क्या हमारी जो वीडियोस हैं उसमें सच्चाई नहीं थी तब नहीं आए क्या? हम आपको अच्छे नहीं लगे जहां हमारी कोई पर्सनैलिटी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी हाँ नहीं था। तो बताए सही। अच्छा नहीं, मैंने बताया ही है ऑलरेडी। बस सर, ओके, फंस रिश्तेदारी गए बस ऐसे ही। का चक्कर था, फंस गए हैं। ठीक हाँ जी, हाँ जी, है, तो माल्टा में आप पढ़ने के लिए आए हैं, हाँ जी। आपकी एजुकेशन क्या है सर? मैंने फार्मेसी की है सर, फार्मेसी की हुई है। फार्मेसी कौन सी, बी और डी? डी। डी। आपके 10th कौन से साल में पास हो गए? अगर हाँ जी, 10th था आपने कौन से साल में पास हो गए? टू मेरे 2080, तो कितने परसेंटेज थे? मेरे 85 थे 12th में। 12th, 12th में 85 थे। कौन हाँ जी, हाँ जी, सी स्ट्रीम से 12th की आपने? मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों। ओह माय गॉड, सुपर मेडिकल के स्टूडेंट। बोर्ड कौन सा है आपका? मेरा था हिमाचल। हिमाचल बोर्ड। यार इतने अच्छे स्टूडेंट यार, कौन सी कंट्री? आईलेट्स में कितने बैंड थे? मेरे 6.5। कोई कनाडा नहीं गए, कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, कोई शेंगन की बेस्ट कंट्री में नहीं गए, कोई जर्मनी जैसी कंट्री में नहीं गए, कोई फिनलैंड जैसी कंट्री में गए, कोई स्वीडन जैसी कंट्री। यहाँ पे आपको कैसे, मतलब कैसे क्रेज आ गया आपको ये? फिर आपने फिर ये अपना माल्टा ही क्यों सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा इसका रीजन बताएं मुझे। सर वैसे किस्मत खराब थी। 2 मिनट का एक मीटिंग चल रही था, हमने बनाओ तो ऐसे कैसे सिलेक्ट हो गया आपका? सर बस किस्मत खराब समझो। नहीं, आपने मेरी वीडियोस भी कह रहे, देख रहा हूं मैं आपकी वीडियो सर, देखी मैंने काफी, फिर भी आपने माल्टा भी कैसे सिलेक्ट कर लिया कि माल्टा में ही जाना था? यार पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं आप। सर बस ऐसे ही निकल गया बस। ओहो बड़ा यार, मैं रियली, देखिए पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। मैं कहूं ऐसी कंट्री को हर एक कंट्री में मोस्ट वेलकम है, 6.5 बैंड लेकर और सुपर मेडिकल का स्टूडेंट है, 80% लेकर घूम रहा है। इतने बताए थे आपने, 85%। मैं तो हैरान हूँ। और साथ में आपने कहा मैंने डी फार्मा भी की हुई है। की हुई है डी फार्मा भी? तो हाँ जी, हाँ जी सर। अभी आप कहाँ पे हैं? मैं अभी सर स्पेन में हूँ। अच्छा, माल्टा से स्पेन आ गए। हेलो, हाँ जी सर। तो आप किसी को रिकमेंड करेंगे माल्टा के लिए, वैसे ऐसी प्रोफाइल जैसे आपकी है? सच सच बताना दिल से, नहीं सर, 1% भी नहीं। 1% भी नहीं? अगर थोड़ी सी माड़ी प्रोफाइल हो तब तो भी नहीं करता सर मैं तो। देखिए, माल्टा की मेरी नंबर ऑफ वीडियोस है, मैंने बहुत टाइम बताया है, कोई सुन लो। देखो शेंगन में है तो हर एक कंट्री में ऐसी ही सिचुएशन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट अगर प्रोफाइल अच्छी है तो बाय नोट वी आर गोइंग टू दैट कंट्री वेयर आप जाकर कोई पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे हैं, जी अभी ऐसे हैं कि हमसे क्या चाहते हैं आप? सर, कुछ नहीं बस ऐसे ही। नहीं, अभी मुझसे कुछ नहीं चाहते। बोलो। सर
मैं बस ऐसे आपसे बस सजेशन लेना चाहता हूँ कि हाँ अच्छा सा सुजेशन गाइड। आपने बहुत अच्छा है। अभी ये बताइए कि आपका जो माल्टा का कार्ड है आप वहीं से आउट पास लेकर आए हैं? नहीं सर, शायद बंद करवा दिया होगा कॉलेज वालों ने मेरा कार्ड। नहीं, कॉलेज को बताकर आए हैं, आउट पास देकर एप्लीकेशन लेकर आए नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं सर, हाँ नहीं, कॉलेज को नहीं बताया सर। वैसे आ गया ना। हाँ जी, तो अभी कितने दिन हुए आए हुए आपको? तो मेरे को सर 2 मंथ हो गए थे। अभी कार्ड वैलिड नहीं है फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तो कार्ड ये वैलिड है, अगर तो ये एक्टिव है, इसके अंदर वैलिडिटी अगर अक्टूबर तक है, फिर तो बहुत सारे ऑप्शन है। सर अब अभी मेरे को मैसेज तो आ रही आइडेंटिटी माल्टा से कि ये हाँ तेरा एक्सपायर मतलब बंद कर दिया, बट अभी तो वैसे डेट तो है पर मेरे को मैसेज नहीं आया अभी। अच्छा, तो ऐसे है कि मैं अभी ये को, अगर तो ये वैलिड है फिर तो जैसे मैं फिनलैंड, जर्मनी जैसी कंट्री, पुर्तगाल कंट्री में एज ए स्टूडेंट बना के वहां पे इकोनॉमिकल फीस में भेज सकता हूँ। ठीक, फिनलैंड में कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए कि फिनलैंड गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर कोई भी नॉन यूरोपियन स्टूडेंट है जो इनसाइड यूरोप में है, जिनके पास यूरोप की किसी भी कंट्री की रेजिडेंसी परमिट वैलिड है, तो उनके लिए उनके पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अभी आपके कार्ड के ऊपर डिपेंड है, ट्राई करनी है तो मैं उसका लिंक भेज देता हूँ, वहां पे अपना एक अप्लाई कर लो, ठीक अगर वो मिल जाएगा तो समझो तुम्हारा कैरियर बन सकता है। ठीक है सर, मेरे को भेज मैं वो लिंक भेजता हूँ। और इसके अलावा अगर वैलिड है तो फिर जैसे जर्मनी में आप एज ए स्टूडेंट जा सकते हैं, लेकिन अभी वहां पे ये रिक्वायरमेंट है ब्लॉक अकाउंट चाहिए और आपको फ्री स्टडी मिलनी थी सारी, ठीक है अभी वो ब्लॉक अकाउंट नहीं खोल सर, पाएंगे, कार्ड वैलिड है या नहीं है उसके ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है सर। इटली की फ्री स्टडी है, ऑस्ट्रिया की फ्री स्टडी है, इटली में आपकी जो डीओबी की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होगी नहीं, तो इटली में भी मुश्किल है, ऑस्ट्रिया में हो सकता है, लेकिन कार्ड के ऊपर है कि वो वैलिड है या नहीं। तो ठीक ये सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, नहीं तो यहाँ पे कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट देखो, जहाँ पे भी जॉब के ऊपर भी कन्वर्ट होते हैं वीजाज, यहाँ पे स्पेन के अंदर भी अगर आपको कोई रियल जॉब प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है स्पेन में भी, तो ठीक है सर। वहां पे कॉन्टैक्ट करके देख किसी से, अगर आपको कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देता है यू कैन चेंज इट वर्क परमिट के अंदर। बाकी अभी कहो, बाकी जो लोग करते हैं मैं यहाँ पे असाइलम डाल दूंगी, यहाँ पे ये डाल दूंगी वो, तो देखो किलिंग द टाइम, आप उतना ही पीछे जा रहे हैं, ये ख्याल रखिए। लगता कि नहीं लगता? ठीक, हाँ जी, हाँ अगर हम ऐसा काम करेंगे तो उतना ही हम बैक जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट ही हो जा रहा है। और वी आर कहीं पे, आप से आने से पहले मुझे पूछ रहे थे ना कि मैं सर माल्टा से ये स्टेप लेने वाला हूँ, तो मैं आपको रोकता, मैं कहता कि ठहरो यार, कुछ ना कुछ आपका सोल्यूशन करते हैं वहां से ही पहले, अगर वो सोल्यूशन निकलता है देन आप ये स्टेप ले। अभी यहाँ आ गए हैं, इसको भी इनवैलिड हो गया है, मतलब आगे अभी भगवान के भरोसे हैं, सजेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक और कुछ पब्लिक को कहना चाहेंगे फॉरेन के क्रेज के बारे में, क्योंकि यहां पर तो लोग पैसे लेकर एक धड़ाधड़ जा रहे हैं कि ये लीजिए पैसे, मुझे किसी भी तरीके हुक एंड क्रुक से फॉरेन भेज दें। तो आप अभी जहां पहुंच चुके जी हैं, सुनिए, आप यहां पहुंच चुके हैं, सारी सिचुएशन देख ली, जब आपने आना था आप भी ऐसे सर, डेस्परेट थे कि नहीं? हाँ जी सर, कुछ भी नहीं रखा मैं, कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए, आने से पहले ये चीजें रिसर्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या इंडिया इज द बेस्ट? सर इंडिया बेस्ट है, बट पहले रिसर्च करो अच्छे से फिर आओ, अदरवाइज इंडिया सही है। ठीक अदरवाइज बड़ी डिफिकल्ट लाइफ है, नहीं है? अभी मैं अपने बच्चे को भी कल समझाता हूँ ना, बेटा क्या करने जाना है फॉरन, वो भी कहता है सर पापा मैं बाहर पढ़ना है, बाकी बच्चे जा रहे हैं। मैंने कहा क्या करना है इंडिया में सर? मैं अपनी एक एग्जाम्पल, दिस इज द लाइव एग्जाम्पल, मेरे बेटा भी अभी 12th में है, वो पूछता है पापा मैं कौन सी कंट्री में जाऊँ, मैं उसको कहता हूँ कि यार इंडिया में सारा कुछ है, अच्छी यूनिवर्सिटी सारा कुछ है, यहाँ क्यों नहीं ना फॉरन जाना है? क्यों? क्रेज क्रेज जो हाँ ना, क्रेज ये खत्म नहीं हो पा रहा है, फिर वहां जाने के बाद चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो शेंगन है, तो वहां जाने के बाद चाहे वो यूके है, फिर बंदा तड़पता है।
कि अभी मैं क्या करूं यार, ये तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया। पढ़ने वाला बच्चा, जो स्पेशली जो पढ़ने वाला बच्चा है, उनके लिए जो बच्चा जरा पढ़ने वाला है नहीं है, उसका क्रेज ही फौरन जाने में, जहां पर भी कुछ है नहीं पीछे, तो मैं मान सकता हूँ कि वो पीछे भी ऐसे रहा है, वहां जाके कहता मैं स्ट्रगल करूंगा। तो लेकिन जो बंदे ठीक ठाक हैं यहाँ पे, तो 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं, उनके लिए भी है नॉट रिकमेंडेड, बट लोग फिर भी रुकते नहीं है। मेरे पास ऐसी प्रोफाइलें भी हैं जो यहाँ पर लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, बट दे आर स्टिल थिंकिंग कि यू फॉरन बहुत इजी है। क्या लगता है इजी? नहीं नहीं सर, लोग यहाँ पे कैसे हैं, लोग कितने कमर्शियल हैं यहाँ पे, कोई पैसा दे देता है आपको 10-20 यूरो लोन के ऊपर, किसी से मांगो तो? नहीं सर, बड़ा मुश्किल है, बड़ा नहीं मुश्किल है। मैंने ये सारी की सारी कंट्रीज देखी हुई हैं, 40-50 कंट्री में मैं खुद ट्रेवल्ड हूँ। जहां पर इंडियन स्टूडेंट रहते हैं उनकी सिचुएशन देखी हुई है, एक ही कमरे के अंदर चार चार पांच पांच जाने रहते हैं, फिर एक ही रूम है, वहीं पे खाना पकाते नहीं हैं, दिहाड़ी मिल गई नहीं मिल गई डिपेंड। तो ऐसे है कि भैया अभी जी। आ चुके हो, पैसा लग चुका है, अभी मैं ज्यादा तो नेगेटिव नहीं करूंगा, मैं तो जाने से पहले ये चीजें बताता हूँ। चलो आप तो भी जागे, अभी आपके लिए तो सोल्यूशन यही है, बोल्ड होके यहीं पर ही अभी कुछ ना कुछ फाइंड आउट करें, अदरवाइज वापस आएंगे, पैसे घर में से, घर वालों ने तो लगा के कहीं से लोन लिया होगा, किसी से बोरो किया होगा, वहां से लगा के भेजा है कि घर में थे। हाँ, लोन सर, तो ऐसे है कि जहां अपने आप को हार्ड करो, अभी देखो आप बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। नेगेटिविटी मतलब ज्यादा क्या है, उन लोगों के सर्कल में नहीं रहना जो सिर्फ लेबर कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलना है अपने आप को, क्योंकि आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आपका कैलिबर उन जैसा नहीं है जो बॉर्डर क्रॉस करके टूरिस्ट वीजा लेकर सैलम डालते हैं, जब बस उनका इंटर ही यूरोप में करने का, आप उन जैसे स्टूडेंट्स में नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये है कि अभी आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म तभी मिलेगा अगर आप सुबह उठकर मार्केट में घूमोगे, ये नहीं है कि उनको जॉब नहीं मिली तो मुझे कहाँ मिलेगी, उसको निकालना पड़ेगा माइंड से। ठीक बस है जी, और बताइए। ठीक सर, थैंक है यू। जी, धन्यवाद, थैंक यू।